हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि सर, एक इंच में 1.5 का हमें थ्रेड कटिंग करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा गियर लगाना पड़ेगा, कितने नंबर का गियर जो है कि लगेगा तो हमारा जो है कि 1.5 का थ्रेड कटिंग होगा। क्योंकि थ्रेड चार्ट में 2 TPI से नीचे का कोई भी गियर अवेलेबल नहीं है, मतलब चार्ट में नहीं लिखा गया है। 1.5 का जो थ्रेड कटिंग होता है उसका जो है कि गियर उसमें नहीं लिखा गया है, तो उसके लिए हमें जो है कि गाइस गियर कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा, खुद से मतलब कि कैलकुलेट करके उसको गियर को लगाना पड़ेगा, तभी हमारा जो है कि एक इंच में 1.5 का जो है थ्रेड बनेगा। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको गाइस इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है दबा लें, ताकि आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके, क्योंकि आप लोगों की हेल्प के लिए मैं इस तरह के वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले गाइस, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, 4 गियर लगे हुए हैं, ए बी सी और ये डी। ठीक है गाइस, ये 4 गियर लगे हुए हैं और हमें सिर्फ 2 गियर का जो है कैलकुलेशन निकालना है। ठीक है, एक तो 1.5 का जो थ्रेड है उसका, और एक लीड स्क्रू का। लीड स्क्रू चाहे आपका 4 TPI का हो या 2 TPI का हो। ठीक है, 2 TPI का हमें लीड स्क्रू का गियर का कैलकुलेशन निकालना है और 1.5 का जो TPI का थ्रेड है उसका कैलकुलेशन निकालना है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम अपने कैलकुलेटर पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस, 1.5 का हमें थ्रेड कटिंग करना है, तो उसे 20 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 आ रहा है। ठीक है गाइस, और 2 TPI का हमारा लीड स्क्रू है और इसे 20 के साथ गुना करेंगे तो हमारा 40 आ रहा है। लेकिन ये गाइस गियर जो है काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो हमारा गियर टूटने का जो है कि काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम कैलकुलेशन। तो गाइस, जो 1.5 का जो थ्रेड है उसका गियर हम 50 के साथ करेंगे। ठीक है, 1.5 × 50 तो हमारा गियर निकल के आया 75 का। ठीक है, अब 2 TPI का है, 2.2 × 50। ठीक है, 100 का गियर आया। तो गाइस, ए में जो लगेगा 75 का लगेगा और डी में जो लगेगा 100 का लगेगा, तो बीच में आप कोई भी गियर जो है एडजस्ट कर सकते हैं गाइस, तो आपका जो है कि 1.5 का थ्रेड कटिंग होने लग जाएगा। आशा करता हूं गाइस कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जो है दबा लें, ताकि आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।